गाइस फॉलो मी, एक स्ट्रिंग दिला दूंगा, आ जाओ। रिश्वत खोरो आ जाओ। भाई स्ट्रिंग है क्या? हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये बेटा है हमारा आर्मी मैन। और गुड मॉर्निंग ऑल ब्रदर्स, आज जो है पूरा आपका पूरा होटल बंद ही रहेगा हमारा एक दो तीन दिन। और आज जा रहे हैं हम शाम को मेले में, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होने वाला है, वो भी मैं दिखाऊंगा। बहुत मेला बहुत बड़ा है। और भाई का मोबाइल है, देखो नया वाला लिया है, मोटरोला G51 का। इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग करना चाहता था लेकिन नहीं किया, थोड़ा इश्यू से इसका आज रिप्लेस करने जाएंगे इसको मोटरोला कंपनी में, क्योंकि इसका चार्जिंग का बहुत इशू आ रहा है इस फ़ोन में, तो इसको जाके रिप्लेस करेंगे। लेकिन बाय द वे मोबाइल बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्यों चार्जिंग में इशू आ रहा है, बहुत जल्दी से बैटरी ड्रेन हो जा रही है इसकी। लेकिन बाकी तो मोबाइल बहुत बढ़िया चल रही है। कैसे चल रही है? सुपर। और चार्जिंग गया है। और हमें इस मोबाइल का और एक फीचर्स बहुत अच्छा लगा है यार, इस पे ना अगर हम सेल्फी लेंगे तो आगे से स्माइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो कैप्चर करेगा। ये देखेंगे एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ मैं, ये इस तरफ आ जाता। नहीं, रहने दे। ये देखिए मैंने ये फ़ोटो पकड़ा और ये स्माइल लिया एकदम, ये देखो क्लिक हो गया फिर से, हाय स्माइल लिया और ये कैप्चर। देखा कितना बढ़िया फीचर्स है ये मोटरोला मोबाइल में, ये फीचर्स बहुत अच्छा लगा मुझे। और कैमरा भी बहुत अच्छे से आ रहा है, अपन से भी बेटर जैसा लग रहा है। ये देखिए मैं फिर से स्माइल दिया फिर से निकला, आपको देखिए ये मेरे मोबाइल से कैप्चर करेगा नहीं, मैं स्माइल दे रहा हूँ, ये मेरा डिस्प्ले ठीक से नहीं दिखाई दे रही तो नहीं हो रहा है। ये ले भाई, तेरा मोबाइल अच्छा है लेकिन चार्जिंग बहुत ड्रेन हो रही है ना, तो आज कुछ ना कुछ करेंगे। उसको स्माइल दे, ऑटो कैप्चर करेगा। ये देखो हाय, वो कैप्चर हो गया। मज़ा आ रहा है यार इस फ़ोन के साथ वक्त बिताने में। लेकिन ज़्यादा बहुत फीचर्स है, कल ही लिया है हमने और आज तक ठीक से यूज़ नहीं किया अब तक, अभी यूज़ करना पता चल रहा है। क्या कैमरा आता है यार इसका। तो समय हो चुका है घर जाने का यार, अभी घर जा रहे हैं फिलहाल। और को हमारा टूर्नामेंट होने वाला है हमारे गाँव का, मैंने जैसे कि आपको कल के व्लॉग में बता ही दिया है आप लोगों सामने, वहाँ पे आप अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए उस ब्लॉग को भी है, मजे लीजिए। बीजापुर को टीशर्ट लेने के, और हमारा वो तो मैं भूल ही गया, हमारा टूर्नामेंट का जब हम टीशर्ट बुकिंग करने गए थे वो टीशर्ट भी आ चुकी है, तो लेके आने का है और सबको बांटने भी हैं, बहुत काम है यार आज तो। और हमारा इस तरफ मेले में भी जाना है शाम को रात में, ये भी है यार, कितने काम है यार एक ही दिन में। और जो पिच है उस पिच को भी सुधारना भी है, मैंने ही दिलाया है क्या, मैंने ही दिलाया है, मेरे सामने पोज ना दे, मैंने लिया है पैसे से लिया है। तो आप ही जा रहे हैं सिटी में, जैसे कि हमने कहा था इसका मोबाइल रिप्लेसमेंट है, फ्लिपकार्ट से लिया था सर्विस। ये फोन तो गाड़ी मारे बाबा, ऐसा नहीं करना चाहिए जब गाड़ी मारते हैं। तो अभी फिलहाल सिटी में जाके वहाँ पे सर्विस के साथ बात करेंगे हम लोग, और आगे जो भी होगा वहाँ पे देखिएगा। मैं हर एक वीडियो बनाऊंगा क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि कल ही मोबाइल लिया है, मोबाइल लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, वो अभी से इतना दिक्कत हो रही है। तो हम मोबाइल चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट हो, हमें रिपेयर ही नहीं चाहिए कुछ भी नहीं, यही कुछ बताने वाले हैं हम उनके साथ, तो इसी के पास जा रहे हैं अभी फिलहाल। फाइनली पहुंच चुके सर्विस सेंटर के पास, अंदर जा रहे हैं, अंदर चल तो पहले देखेंगे बात करेंगे उनसे। अना फोन ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ರೀ ಅತಲಟಿದಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟರೋಲಾ ಫೋನ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತಂತ ನಿನ್ನೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ ಮೋಟರೋಲಾ ಫೋನು, ಅದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಭಾಳ ಖತರ್ನಾಗ ಡ್ರೇನ್ ಆಗತೈತ್ರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮೋಟರೋಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಬಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಗತೈತಿ, ನಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಬೇಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಾವು ಆಫರ್ ಒಳಗೆ ತಂದಿರಿ ಮೊಬೈಲು, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ 11,000 ತಂದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆಗೈತೇನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು ಜೊ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಥೋಡಾ ಬಾರ್ ಗಯೆ ಹೋಗಿ ಥೋಡಾ ಸಾ ಬಿಲ್ ಕಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಲೇನೆ ಆಯ್ತ ಯಹಾಂ ಪೆ ಓರ್ ಥೋಡಾ ವೇಟ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಹಮೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ पता नहीं और रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है। शॉप पे आए जेरोक्स पे, और यहाँ पे देखिए भैया जी कितने तेज़ी से स्टैंप मार रहे हैं, इतनी तेज़ी, और देखो वो पेज निकल रहे हैं ना, वो दिख ही नहीं रहा इतनी तेज़ी है, क्या काम है। इसके सामने मशीन पे काम फीकी है, काम पे मशीन भी फीकी है ना, इतनी तेज़ काम किया था। वहाँ पे जेरोक्स वाले के पास चेंज नहीं मिला हमें एक्सचेंज, तो चेंज के लिए कुछ खाएंगे ऐसा सोचा था, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मजाक चल रहा है भाई,
अभी जा रहे हैं वहाँ पे एक बेकरी, वहीं पे कुछ खा लेंगे यार। पेट पूजा भी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। क्या है हमारा फेमस आइसक्रीम के लिए। और हाँ यार तो रहे ना, और वहाँ पे बहुत खतरनाक सा गुस्सा हो गया था, झगड़ा भी बहुत खतरनाक करने वाला था। वो बता रहे थे अरे यार ये दिन भी नहीं हुआ, और वहाँ पे बता रहे थे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो बता रहे थे। लेकिन मेरा क्या है, अगर एक दिन नहीं हुआ ना तो रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए ना। तो उसी समय में कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया था फ्लिपकार्ट में, वही पे रिप्लेसमेंट हो गया तो वहाँ पे वापस आए। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, सीधे अभी आपके पास है कि यहाँ पे राइस खाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ सीधे से। और अभी जाएंगे घर, जो भी काम है वगैरह जाने का वो संभालने का अभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तो क्या खाएगा। और राइस भी आ चुका है। ए पान खाने वाले भैया जी खा ले, अबे खा बे राइस खा, राइस खा ले। टी शर्ट कब लेने जा रहा है तेरे, टी शर्ट कब लेने जा रहा है दुबे, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा दिवाला निकल चुका है, आराम से आ रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई है। अभी पता नहीं पंचर शॉप कहाँ पे मिलेगा। अरे बाबा आज ज़्यादा खर्चा करवा दिया अभी तूने, टायर भी देखा लो ला, ये देख नीचे देख ले यार, गुंडा बनेगा रे। कैसा लग रहा है गाड़ी का धक्का मार के, एनर्जी नहीं मेरा पास। ये देखिए पीछे का पूरा नीचे गया हुआ है, देख सकते हैं। पता नहीं कहाँ पे पंचर हो गया यार, ये ट्यूबलेस नहीं है। अभी तो टाइम बहुत जाएगा इसको निकालने में, ट्यूबलेस होता तो ऐसा चुबा के निकाल देता था वो। यहाँ पे पहुँचे हैं, जल्दी से पंचर निकल जाए बस, थक गए। मैंने तो नहीं धक्का मारा, कैसा लगा मेरे गाड़ी का डबल स्टैंड ही नहीं है, आप कैसे पंचर निकालेंगे। पंचर भैया जी कुछ प्लान कर रहे हैं पंचर वाले, इसे उठाएंगे ऊपर। अभी क्या प्लान है यार, बढ़िया सा सीधा कर गाड़ी, सीधा कर। मैक्सिमम काम हो गया। क्या जुगाड़ है भाई, देसी जुगाड़। पूरा फट गया यार टायर, हाँ फट है ना, जुगाड़ मार कल स्पीड ना मनी तना, हाँ ले भैया जी बोले कुछ जुगाड़ करके भेज दूंगा, लेकिन बाद में हमें नहीं बोलना करके बता रहे, कुछ नहीं बोलेंगे। पीछे देखिए निकल, पीछे और कुछ ना चुप जा। फाइनली जा रहे हैं यार, यहाँ से पंचर निकल गया, टायर पूरी की पूरी सील रही थी, बहुत खतरनाक सा, यानी बहुत डैमेज हो रही थी। अभी जा रहे हैं घर, जब बस हमें घर तक पहुँचा दे बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए रे, घर को गया गाड़ी, अपन को काम हो गया यहाँ। तो फाइनली घर तो पहुँच चुके हैं, अभी जाना है, जैसे कि मैंने सुबह काम मेले में जाना है अभी, तो उसकी तैयारी कर रहा है, मुझे थोड़ा बिजी हो जाऊँगा अभी फिलहाल, बहुत बिजी। तो फाइनली तैयार हो चुकी है जाने के लिए, और अभी बैठा हूँ जाने के लिए। और ये देखिए ये नताशा और दोनों खेल रहे हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है, सारी परिवार जाएगा हमारा। तो योगेश और नताशा दोनों खेल रहे हैं। नताशा तुझे नहीं, तू क्यों देख रहा है वहाँ पे, देख नताशा नताशा पकड़, हे बेबी। और ये योगेश बाबा ऊपर आ जा, योगेश बाबा ऊपर आ जा, लीजिए सब लोग तैयार हैं हम जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ, और बाकी का जाते जाते वो बनेंगे, और शायद बहुत देर हो सकती है रात में आने के लिए, 10 बज जाती है। क्या देख रहा है, टुकुर देखते हो क्या, सर्दी तेरी और क्या, और मेरे को मालूम नहीं ही और
चुके हैं। हाँ चौंकिया ही तो दिख रहा हूँ, मेरे भी पूछ चुके हैं यार, सोचो क्या गया तो क्या होगा। अभी जाना है मंदिर के पास, बहुत काम बाकी है। हाय लड़की, हमारी बैटरी है, हमारी भाभी जी है, जाड़गी भाभी जी। तो अभी हम निकल रहे हैं मेले के लिए, मुझे आपका समय नहीं मिल रहा था। ए ए ले ले खाने के लिए ले ले भाई, ले 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 चटरपुट ले ले, चिंकते नहीं मिलेगा। अरे यार मेरे को तो मिल गया था, इतने से पास ले ले। जिन सबको रिश्वत दे के लेके आया हूँ मैं, ठीक है जिन दिला दूंगा, आ जाओ रिश्वत खोरो, रिश्वत खोरो आ जाओ। स्टिंग है क्या यहाँ पे? स्टिंग है यहाँ पे, है यहाँ पे नहीं रे, वो पीने के लिए रखा है उसने। बस स्टिंग है, स्टिंग। अरे पूरे मेले में स्टिंग मिलेगा या नहीं? स्टिंग मिलेगा, स्टिंग नहीं। अरे आगे और है, लगभग पूरा मेला खत्म होने आ गया, लेकिन हमें एक स्टिंग नहीं मिल रहा। एक जगह मिला था लेकिन कोल्ड नहीं है, शायद वो वापस जाने तक थोड़ा सा तो कूल हो जाए। ये गोवा के डॉन सचिन भाई से मिलेगी, आ जा यार प्लीज मिला दे एक बार, सिर्फ मिल के आ जा। भाई तू है तू, वहाँ पे सचिन है यार, जल्दी आ जाना ये भाई। हाँ ये इतना बड़ा धोखे बाज है ना, इसकी वजह से गोवा के डॉन को नहीं भी मिल पाया। बहुत बहुत ये है तू, अरे तुझे तो थोड़ा सा पता था ना, वो बुला देता थोड़ा सा। क्या है इसको क्या करेगा, फोटो में तो रोज ही मिलता है, दिखा देना फोटो में एक बार। ये देख ले, बहुत बढ़िया है यार, मिला देता तो अच्छा होता ना। इस तरीके से मेले मेला लगा हुआ है और फंक्शन है, पूरी रात फंक्शन करने वाला। बंदे स्ट्रिंग पीते हुए, पियो 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 लौंडे, मेरे पार्टी के, मेरे वजह से। खाना चाहते है खा ले। ए सुन मामा ने बोला नमक थोड़ा कम मार रहे बाबा, कम मार ले। पाइनएप्पल खाना है तो पाइनएप्पल खा, अगर तुझे खट्टा खट्टा और मीठा मीठा चाहिए तो पाइनएप्पल खा ले, एकदम अच्छे से नमक मार के। ये कलंगड़ा पड़न दबाए, नमक मार के खाएंगे तो मजा ही अलग आएगा। अबे अबे ये धोखा है, खाएगा या नहीं? दूसरा ही ले लूंगा मैं भी। अबे उसे कौन खाएगा? किसे? ये वो मन नहीं खाएगा, वो टेस्ट देखेगा सिर्फ। नहीं तो फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा थक गया था, सो गया था, मोबाइल चार्जिंग ही खत्म हो गई थी वहां पे। और अभी सोने का समय है, और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्दी से आएगी, आज भी, आज से यानी कि कल से समझ लीजिएगा, आज रात 12 बजे अभी यानी कि कल से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों को हर रोज़ व्लॉग मिलता रहेगा। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।